बंधु, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी यहाँ जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल मंगलाचरण में हमने नमस्कार किया, किसको नमस्कार किया? देव देवम, देवों के भी जो देव हैं, ऐसे अरिहंत परमिष्ठि नमस्कार किया था। मंगलाचरण क्यों किया जाता है कभी आपको पता है? किसी सभा के पूर्व में मंगलाचरण आप लोग करते हैं तो क्यों करते हैं? मनोज, मांगलिक कार्य को शुरुआत करने के लिए मंगलाचरण किया जाता है ना? क्यों किया जाता है मंगलाचरण? और ये तो एक कार्य हो गया, निर्विघ्न कार्य की समाप्ति। दूसरा, और किस लिए मंगलाचरण करते हैं? दूसरा सुनो, मंगलाचरण करने के चार हेतु बताएं। हम मंगलाचरण क्यों करते हैं? पहले तो पहला काम कार्य की निर्विघ्न समाप्ति, दूसरा पुण्य की प्राप्ति, तीसरा आस्तिकपने का सद्भाव। मतलब हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम प्रभु आपके प्रति आस्तिक भाव से युक्त हैं, नास्तिक नहीं है। नास्तिक समझते ना, जो भगवान को नहीं मानते उसे कहते हैं नास्तिक, और जो भगवान को मानते उसे क्या कहते हैं? आस्तिक। तो हम आपका नाम ले रहे हैं आस्तिकपने को और उपकार को बताने के लिए। ये चार कारणों से मंगलाचरण किया जाता है, कार्य की निर्विघ्न समाप्ति, पुण्य की प्राप्ति, आस्तिकपने को दिखाने के लिए, और उपकार के उपकार स्मरण करने के लिए, उपकारी के उपकार को स्मरण करने के लिए हम मंगलाचरण करते हैं। उसमें हम आचार्यों का नाम लेते हैं, गुरुओं का नाम लेते हैं कि इन्होंने जैन धर्म की ध्वजा को ऊपर तक लेके गए, ऐसे उनका स्मरण किया जाता है। इस तरह से उपकार को स्मरण करने के लिए, के पुण्य की प्राप्ति के लिए, कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए और आस्तिक बने के लिए, ये चार कारणों से मंगलाचरण किया जाता है। जब भी कोई कार्य करते हैं तो हमने आज कल भी कहा था कि बिना कारण के कार्य नहीं किया जाता। भगवान को क्यों नमस्कार करना, भगवान के पास आकर उनके चरणों में क्यों झुकना, किस उद्देश्य से झुकना? तो आचार्य कह रहे हैं, हम हे देव देवम जिनम नत्वा, हे भगवान मैं तुम्हें नमस्कार कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? भवोद भव विनाशनम, जो भव का उद्भव होता है ऐसे उद्भव का विनाश करना है। भव का विनाश नहीं करना, भव का विनाश तो तुम फांसी लगा के कर सकते अपना। यदि तुम्हें मनुष्य भव का विनाश करना है तो अभी फांसी लगाओ, अभी नष्ट हो जाएगी तुम्हारी मनुष्य पर्याय। पर इसके भव के विनाश से आपका संसार का विनाश नहीं होगा। मूल स्रोत उद्भव, ये बीजांकुर उत्पन्न कैसे हो रहा है? ये जन्म मरण, जन्म जरा का जो रोग लगा है उस रोग को नष्ट कर देंगे तो अपने आप भवी नष्ट हो जाएंगे। आत्मा में जो आयु कर्म लगा हुआ है उस आयु कर्म का ही क्षय कर देंगे आत्मा से, तो स्वतः ही जन्म मरण का। इसलिए कहा, मैं नमस्कार किस लिए कर रहा हूं? इस मनुष्य भव के नाश के लिए नहीं कर रहा। भव उद्भव, भवोद्भव विनाशनम, जो भव का उद्भव है, जिससे भव का उद्भव हो रहा है ऐसे। क्योंकि नदी को यदि आपको सुखाना है या नदी को आपको खाली करना है तो ऐसे बाल्टी भर भर के पानी निकालते जाओ, हो जाएगी खाली? नहीं होगी ना, तो कैसे खाली होगी? नदी सूखी देखी कि नहीं देखी? नदी सूखती है कि नहीं सूखती? नहीं सूखती, सूखती हैं। कैसे सूखती हैं? जो उसका उद्भव है यानी जहाँ से पानी का सोर्स आने का है वो सोर्स बंद हो जाता है। किसी ने बांध बना दिया, बांध बना दिया आगे, और जो पानी आपकी नदी में जो पानी आने वाला था वो बांध से रुक गया, तो उद्भव जो सोर्स था नदी में पानी आने का उस पर रोक लगा दी। तो ऐसे भी आप बाल्टी से पानी सोर्स आता रहता और बाल्टी से पानी खींच खींच के बाहर निकालती तो क्या कभी सुखा पाती नदी को?
नहीं सुखा सकते थे, लेकिन बांध बांध दिया और पानी को रोक दिया। अब आपको नदी सुखाने की जरूरत नहीं है, स्वतः ही सारा पानी आगे बह जाएगा और एक समय ऐसा आएगा नदी आपको सूखी दिखाई देगी। इसलिए यहाँ पर कहे भवोद भव विनाश, भव विनाशनम नहीं कहा, हमें भव का विनाश नहीं करना, क्योंकि इस भव का विनाश कर देंगे अगला भव प्राप्त हो जाएगा। मनुष्य का भव का विनाश करेंगे तो फिर देव भव प्राप्त हो जाएगा, देव का विनाश करेंगे फिर मनुष्य आ जाएगा, मनुष्य फिर करेंगे त्रेंच देव मनुष्य चारों गतियों में उत्पन्न होते रहेंगे। तो भव का ऐसा विनाश करते रहेंगे तो उसका उससे हमारा कल्याण नहीं होगा। हमको किसका क्या करना है, भव का उद्भव जिससे हो रहा है, किससे हो रहा है, ये मोह से हो रहा है, मिथ्यात्म से हो रहा है। जब तक मिथ्यात्म है तब तक ये जीव संसार में परिभ्रमण करेगा, और एक बार सम्यक्त हो गया तो इसका संसार अब अर्धपद का पुरातन शेष फिक्स। एक बार सम्यक दर्शन जीव को यदि प्राप्त हो जाए तो उसका कन्फर्म टिकट है कि नियम से मोक्ष जाएगा। कब जाएगा, अर्धपद का परिवर्तन के अंदर अंदर वो जीव नियम से मोक्ष चला जाएगा। ये सम्यक दर्शन की प्राप्त होने से ही नियत हो जाता है। अब उद्भव उसका खत्म कर दिया, रोक दिया गया, जो मिथ्या था उस पर रोक लगा दी। अब जितना भव हैं वे धीरे 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 सूख जाएंगे, नवीन भव उससे अब नहीं मिलने वाले होंगे। जितने भव हैं वो अद्भुत काल परिवर्तन, बस उतने ही भवों में वो मोक्ष चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कहा भवोद्भव विनाशनम, भव के उद्भव को विनाश करने के लिए हे भगवान हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। कोई संपत्ति के लिए नहीं नमस्कार कर रहे, कोई पुत्र पुत्री की प्राप्ति के लिए नमस्कार नहीं कर रहे, कोई व्यापार वृद्धि के लिए नमस्कार नहीं कर रहे, भवोद्भव विनाशन। ये सम्य दृष्टि और मिथ्या दृष्टि जीव में क्या अंतर है, कोई बताएगा? सम्य दृष्टि जीव, सम्य दृष्टि समझते ना, जिसको देवसाख रूप पर श्रद्धा होती है उसे सम्य दृष्टि कहते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव जिसे देवसाख रूप पर श्रद्धा नहीं होता उसे मिथ्या दृष्टि कहते हैं। अब आप बताओ सम्य दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में अंतर क्या है? हाँ, तो इनकी क्रिया में अंतर क्या देखेगा तुम्हें, इनकी क्रियाओं में अंतर क्या है? मिथ्या दृष्टि भी भगवान को नमस्कार करता है, भगवान की पूजा करता है, भगवान की भक्ति करता है, और सम्य दृष्टि भगवान की पूजा करता है, भगवान की भक्ति करता है, वो उनको नमस्कार करता है। ऐसा मत समझना कि मंदिर में आने वाले सभी सम्य दृष्टि हैं, यहाँ भी बढ़िया भक्ति भाव के साथ पूजा करेंगे और दूसरी जगह भी जाके घंटी बजाएंगे। अंतर क्या दिखाई देता है सम्यक मिथ्यात का अंतर? बस जो अभी बता रहे ना, एक भगवान की भक्ति कर रहा है सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए, एक भगवान के चरणों में आ रहा है सांसारिक सुख की इच्छा के साथ कि मेरा ये काम बहुत दिनों से रुका हुआ पड़ा है, भगवान मेरा कार्य बन जाए, मेरे काम हो जाए, मैं सब जगह माथा टेक लिया, संतान उत्पन्न नहीं हो रही, हे प्रभु मैं आपका व्रत करूंगा, आपका जाप करूंगा, आपको उपवास करूं, मैं संतान की प्राप्ति हो जाए, मेरे कार्य बन जाए, मेरा केस जीत जाऊं, इस उद्देश्य से यहां भी आ रहा है और इसी उद्देश्य को लेकर दूसरी जगह भी जा रहा है। कहीं से तो बनेगा काम, यहां से बना दो यहां से टीक, नहीं तो वहां प्रसाद चढ़ा के वहां से बना लेगा। मतलब उसका उद्देश्य बस इतना ही है, मैं भगवान की भक्ति क्यों करता हूँ, धम्मम भोग निमित्तम, वो धर्म भी कर रहा है तो किसके निमित्त से, भोग के, त्याग भी कर रहा है तो ये सोच के कर रहा है यहाँ त्याग करेंगे तो आगे स्वर्ग में अच्छा स्वर्ग पद मिलेगा, स्वर्ग में अच्छा इंद्र बनेंगे तो वहाँ बढ़िया भोग भोगने मिलेंगे, ऐसा सोच कर वो यहाँ पर त्याग कर रहा है। धर्म भी कर रहा है तो किसके लिए कर रहा है, भोग निमित्तम। जो मिथ्या दृष्टि होता है उसके अंदर जितना धर्म होता है भोग के निमित्त होता है, मैं दान दूंगा तो मेरा नाम लिखा जाएगा, मैं दान दूंगा तो मेरा नाम लिखा जाएगा, मैं ऐसा करूंगा तो मेरा समाज में नाम होगा, ऐसे भावों के साथ वो धर्म करता है। लोग मुझे
अच्छा समझेंगे, लोग मुझे अच्छा कहेंगे, इसलिए मैं धर्म कर रहा हूं। धम्मम भोग निमित्तम, जो भी धर्म है वो किसके निमित्त? भोग निमित्तम, मान कसाय निमित्तम, लोभ कसाय निमित्तम, माया कसाय निमित्तम। या तो मायाचारी से युक्त है वो मिथ्या दृष्टि जीव, मायाचारी से युक्त होकर धर्म करता है, लोभ से युक्त होकर धर्म करता है, मान से युक्त धर्म करता है, क्रोध से युक्त होकर धर्म करता है, गुस्से में करते हैं धर्म। अब तुमने कह दिया आते नहीं है, ठीक है हम आके दिखाते, हम करके दिखाते। अब कसाय आ गई, गुस्सा, किसी ने कुछ बोल दिया था, है तुम्हारी तुम्हारी क्या औकात है जो तुम बोली ले पाओगे, तुम्हारी क्या औकात तुम कलश ले पाओगे। अब आ गया उसको गुस्सा, अब देखो मैं लेके दिखाता हूँ। अब लोग कह रहे वाह धर्मात्मा देखो कितना ऊंचा कलश लिया, लेकिन उसका धर्म किसके निमित्त था? कसाय निमित्त था, क्रोध कसाय के निमित्त था। तो मिथ्या दृष्टि का जो भी व्रत उपवास जप तप पूजा जो सब चलता है वो सब भोग निमित्तम कसाय निमित्तम, और सम्य दृष्टि का जो भी जप तप पूजन चलता है कर्म क्षय निमित्तम। आपकी पूजा कर्म क्षय के निमित्त होती है या समय पास करने के निमित्त होती है? आप पूजन करते हैं ना रोज, अभिषेक करते हैं आप रोज, तो उसमें आपको कर्म क्षय का निमित्त होता है या प्रतिदिन का डेली रूटीन है वो डेली रूटीन के तहत हमें एक घंटा आधा घंटा यहाँ बैठ के पूजन करनी है ये निमित्त रहे? कर्म क्षय का निमित्त है ना, पक्का सोच के बोलना, फिर बाद में बदल नहीं जाना, भाई अब कुछ और भी पूछने वाले हैं फिर। कर्म क्षय निमित्त है ना, किसके निमित्त से? कर्म क्षय निमित्तम ना। अच्छा मानता हूँ, कितने कर्म होते हैं, कौन कौन से? ज्ञानावरणी, दक्षिणावरणी, वेदनीय, मोहिनीय, आयु, नाम और गोत्र और अंतराय, कितने कर्म हो गए? आठ। इन्हीं कर्मों के छह के निमित्त से करते हो, कोई और दूसरे कर्म के छह के निमित्त से करते हो? इन्हीं कर्मों के, अब जिसके छह के निमित्त से आप पूजन पाठ कर रहे हो तो उसके बारे में थोड़ा ज्ञान तो होना चाहिए ना आपको, कि कर्म छह निमित्त से हम पूजन करते हैं, कर्म के छह विनय सैलिस किसके लिए कर रहे हैं? देवी ने बोल दिया इसलिए। किस निमित्तम? कर्म छह निमित्तम, तो कर्म को बारे में बात करें तो कितने प्रकार के कर्म होते हैं? आठ प्रकार के कर्म होते हैं, ठीक है? आप लोगों को पता है, पता है क्या? क्या नाम? दिलीप नाम तुम्हारा? दीपक, पता है? नहीं पता, फिर किस लिए कर रहे हैं? मतलब इसका मतलब कर्म छह निमित्तम तो पुरुषों को तो नहीं पता, तो लगभग लगभग उनका तो कर्म छह निमित्त हो ही नहीं रहा, जब पता ही नहीं तो काय का छह करने आए वहां पर, जब पता ही नहीं हमको कि हम कौन से निमित्त से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, किस निमित्त से कर रहे भैया भगवान की भक्ति? पीछे क्या नाम भैया का? सुशील। और तुम्हारे पीछे? अनिल। अनिल जी किसके निमित्त से कर रहे? अच्छा, रोज अभिषेक करते हो, डेली रूटीन है, सुबह 5 बजे उठना है, सो उठ के आना है, अभिषेक करना है, ये सब जय कुमार जी तैयारी करना है, बर्तन निकालना है, धोना है, पोंछना है, पानी भरना है, निमित्त क्या है तुम्हारे सब करने का? निमित्त क्या? कभी एक सामान से अगर आप सोचें कि मैं सुबह से लेकर भगवान की भक्ति के लिए सब तैयारियां करता हूं, इस तैयारी में कितने क्षण मेरा भाव क्या रहता है? पूरे समय आपका तैयारी समय क्या भाव चलता है? अरे वो लोटा कहाँ रखा है, वो कहाँ रखा है, वो तो लेके आओ, ये लेके आओ, पूरे समय व्यवस्था में चलता है क्षण, उस समय क्या भाव आते हैं जब आप भगवान का अभिषेक करते हो, जब आप भगवान का मार्जन करते हो, उस समय कोई भाव आता है कि भाव? अरे तू क्यों चढ़ गया ऊपर, तू नीचे रह, अभी तेरा नंबर नहीं, आज तो हमारा नंबर है, आज तो इसका नंबर है, अभी अभी हमको करना है, अभी ये नहीं किया, वो नहीं किया, सिर्फ करने करने का दिमाग में चलता है कि कुछ और भी चलता है? सुरेश जी
सिर्फ यही करने का, ये यहाँ खड़े हो जाओ, उधर खड़े जाओ, उधर बैठ जाओ, इसको इसका मार्जन कर लिया कि नहीं, उसका कर लिया कि नहीं, यहाँ पे हो गया कि नहीं, वहाँ हो गया कि नहीं, ये पितमा कर ली मार्जन, वो पितमा कर ली मार्जन, इसका कर लिया अभिषेक कि नहीं किया, तुमने कर लिया अभिषेक, तुमने कलश कर लिया, तुमने चार कलश कर लिए, मतलब पूरा करते करते दिमाग चलता है कि कुछ और भी चलता है, कभी कुछ ऐसा लगता है कि हम इसके अलावा कुछ कर रहे हैं। एक घंटे, आधा घंटे, दस मिनट, पंद्रह मिनट विवेक, कुछ और दिमाग में आता है कि नहीं आता, कि बस यही चलता है हमारे दिमाग में। कर्म छह निमित्तम, या एक तरह की ड्यूटी है, एक तरह का नशा है अभिषेक करने का, एक तरह का जुनून है, बस करना है, रोज सोड का अभिषेक करना है, बस एक नशा सा चढ़ गया है कुछ ही। व्यसन समझते हो, व्यसन, व्यसन का मतलब सिर्फ बुराई, व्यसन शब्द बुरे अर्थ में चला गया है, वास्तव में व्यसन का अर्थ था लत, आदत। व्यसन का अर्थ क्या है? आदत, आदत है। अब वो आदत, बुरी आदतों, ये सात व्यसन, सात बुरी आदतें, सप्त व्यसन बोलते हैं ना, ये सात आदतें, ये बुरी, और व्यसन शब्द बुरे अर्थ में चला गया, इसलिए व्यसन का मतलब होता है सप्त व्यसन ही लेते हैं। वैसे व्यसन का शाब्दिक अर्थ है आदत, किसी चीज की आदत लगना, चाहे वो अभिषेक का आदत लगे, चाहे पूजन की आदत हो, चाहे आहार दें की आदत, मतलब कोई भी प्रकार की आदत हो, आदत को व्यसन कहते हैं। किसी को गाने का व्यसन होता है, तो किसी को टीवी देखने का व्यसन होता है, तो किसी व्यापार का व्यसन होता है, वो व्यापारी व्यापार व्यापार व्यापार, सुबह से उठता नहीं कि रात तक एकदम ऐसे सोया के उठे नहीं, हाँ चलो चाबी दो, दुकान खोलना है, 6 बजे से खोल के बैठ जाता है। अब चले नहीं चले वो बात अलग, लेकिन उसको वहीं मजा आता है। कोई बाहर घूमने ही बोले तो दुकान नहीं छोड़ता, इतना किसी को व्यसन होता है व्यापार का, वो घूमना फिरना सब कुछ बंद कर देता है, बस 24 घंटा व्यापार से, घर से व्यापार व्यापार, ना दोस्ती ना रिश्तेदारी ना कुछ, कुछ भी नहीं, बस एक, बस दुकान, सुबह उठा दुकान, और दुकान से आया घर, घर से आया दुकान, दुकान से आया घर, उसे बड़ा मजा आता है दुकान में। किसी को घर में रहने का व्यसन होता है, वो घर ही नहीं छोड़ता, कितना ही भगाओ, अरे दुकान नहीं नहीं घर में अच्छा लग रहा है, टीवी बैठा रहता है, किसी को टीवी देखने का टीवी देखता रहता है, किसी को गेम खेलने का गेम खेलता रहता है, किसी को बोलने का व्यसन होता है, वो बोलते ही रहता है। ये अलग अलग व्यसन होती है, तो कहीं आपको ऐसा तो नहीं एक आदत बन गई है, रोज एक मन नहीं मानता है कि सुबह से उठ के खाली खाली लगता है, अरे इसलिए भगवान की भक्ति करने चलो अभिषेक कर ले रहे, या फिर आपको ऐसा लगने लगा है कि मैं नहीं जाऊंगा तो कौन व्यवस्था करेगा, कौन पानी भर के लाएगा, कौन बर्तन लाएगा, कौन पांडु से लौटाएगा, कौन भगवान को रखेगा, कौन मंत्र उच्चारण करेगा, कौन मंत्र पढ़ेगा, कि ऐसा तो नहीं लगता आपको, इसलिए हमें रोज़ जाना होता है। हम नहीं जाते तो वहाँ व्यवस्थाएँ नहीं बनती हैं, ना कोई पानी भर के रखता है, ना कोई कलश रखता है, ना कोई मंत्र पढ़ता है, तो अव्यवस्थित हो जाता है। महिलाएं कहती भी ये लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, इसलिए हम जाते हैं समय सब व्यवस्थाएं कर लेते हैं, इसलिए आते हो, किस लिए आ रहे हो आप, किस लिए कर रहे हो, क्या उद्देश्य है आपका।